गाइस तो गाइस आज अभी हम पढ़ रहे हैं स्पोकन इंग्लिश। इस स्पोकन इंग्लिश में हमारा एक नया टॉपिक है, वो है हाउ टू डिस्क्राइब योर सेल्फ। सो ये अल्ताफ सर ने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे, अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ, डिस्क्राइब करने वाला हूँ अच्छे से। सो आप अच्छे से ध्यान रखना यहाँ पे। सो करते हैं स्टार्ट। पहला सेंटेंस, माई नेम इज टॉम, मेरा नाम टॉम है। जो ये टॉम है, ये एक इंसान है, उसका नाम जो है वो है टॉम। माई नेम इज टॉम, आप यहाँ पे अपना नाम भी बोल सकते हैं, जस्ट लाइक माई नेम इज सलमान, माई नेम इज सलमान। सो अभी दूसरा सेंटेंस है, आई एम फोर्टीन, मैं 14 साल का हूँ। हाँ, अब ये स्पोकन इंग्लिश है इसलिए हम यहाँ पे ये नहीं लिख सकते हैं आई एम 14 ईयर्स ओल्ड, यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश में लिखा जाता है आई एम 14। तो अभी तीसरा सेंटेंस है, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक तालिबे इल्म हूँ। कोई कुछ भी लिख सकता है जो वो होगा, जैसे मैं एक तालिबे इल्म हूँ तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट ही लिखूँगा। तो अब चौथा सेंटेंस है, आई एम इंडियन, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। अगर कोई पाकिस्तानी होगा वो पाकिस्तानी भी लिख सकता है, अगर कोई नेपाली होगा उसको नेपाली लिखेगा, आई एम नेपाली। सो अभी पांचवा सेंटेंस है, आई एम फ्रॉम अनंतनाग, मैं अनंतनाग से बिलोंग करता हूँ। ये तो आपको पता ही होगा, मैं अनंतनाग से बिलोंग करता हूँ, आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं आप अपना लिखे वहाँ पे। सो अभी ये यहाँ पे अनंतनाग है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ तो मैंने अनंतनाग लिख दिया। तो अब दूसरा सेंटेंस है, माई फादर इज ए डॉक्टर एंड माई मदर इज ए टीचर, मेरा जो बाप है वो एक डॉक्टर है। अगर किसी का टीचर होगा वो टीचर लिख सकते हैं, अगर किसी का और कुछ होगा प्रोफेसर होगा वो यहाँ पे कुछ भी लिख सकता है। एंड माई मदर इज अ टीचर, अगर किसी की माँ, मेरे माँ टीचर है, अगर किसी की माँ हाउस होल्ड है वो लिखेगी, माँ वो लिख सकता है माई मदर इज एन हाउस होल्ड। और अब दूसरा सेंटेंस है, आई एम नॉट मैरिड, अभी हम यहाँ पे लिख सकते हैं आई एम सिंगल, वो भी सही है, वो भी चलेगा, अगर आपको वो आसान लग रहा है तो वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। सो ऐसे भी यहाँ पे भी आप ये भी लिख सकते हैं, और आई एम सिंगल भी लिख सकते हैं, आई एम नॉट मैरिड। अगर कोई मैरिड होगा वो लिखेगा आई एम मैरिड, या अगर कोई वो लिख सकता है आई एम नॉट सिंगल। तो अब दूसरा सेंटेंस है, माई फेवरेट कलर इज ब्लू, मेरा पसंदीदा रंग जो है वो ब्लू, किसी का कुछ भी हो सकता है, रेड ग्रीन अपनी मर्जी है। अभी दूसरा सेंटेंस है, माई फेवरेट सपोर्ट्स आर स्विमिंग एंड फुटबॉल, इसी का मतलब मेरा जो है फेवरेट सपोर्ट्स है वो है स्विमिंग एंड फुटबॉल। आप ज़्यादातर क्रिकेट होता है, आप क्रिकेट भी लिख सकते हैं, अपना पसंदीदा है आप क्रिकेट लिख दो, वहाँ पे फुटबॉल की बजाय और कुछ लिख दो, कबड्डी जो आपको पसंद है। तो अभी और दूसरा सेंटेंस है, आई एम इंटरेस्टेड इन आर्ट, मैं दिलचस्पी रखता हूँ आर्ट में, किसी को सिंगिंग में किसी को वो पेंटिंग करता है, कोई कुछ भी। सो आज के लिए इतना ही, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।